नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, यदि आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपको दूसरों से थोड़ा अलग बना देती है, दूसरों से ज्यादा आपके अंदर आकर्षित करने की किसी को शक्ति आ जाती है, तो जब आप किसी के पास भी जाते हैं, कहीं पर भी आप खड़े होते हैं, आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ अनायास ही आकर्षित होने लग जाएंगे। आप देखना दोस्तों, कितनी बार आपने देखा होगा कुछ लोग अतिशय मेकअप करने के बाद भी किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं, और उसी के कंपैरिजन में दूसरा व्यक्ति बहुत ही सिंपल होता है लेकिन कई लोगों को आकर्षित कर रहा होता है। कई एक बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कई एक बार ऐसा होता है, कई लोग कई ऐसी क्रियाएं करके आए होते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे मंत्र तंत्र सिद्ध कर रखे होते हैं। आप देखना दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा काफी जो तांत्रिक लोग हैं, वो उनके सामने आप जाकर के बैठेंगे, वो आपका सब कुछ ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपने कितने ऐसे किस्से देखे होंगे कि अमुक जगह अमुक बाबा ने कोई चीज दिखाई और सामने वाला व्यक्ति उसके पीछे पीछे चला गया। कई बार इसमें अघटित घटनाएं भी घटित हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए, ऐसे कृत्य हो जाते हैं जब कोई इंसान इन चीजों का दुरुपयोग करता है। कई एक ऐसे त्राटक, जो मैंने त्राटक की काफी पहले वीडियोस अपलोड की है, जिन लोगों ने त्राटक सिद्ध किए हैं, वे लोग त्राटक के द्वारा जैसे कोई रुमाल को सिद्ध कर लिया और उसके बाद उस रुमाल को, मैंने एक वीडियो पहले डाली, आप रुमाल को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसके द्वारा उसको सिद्ध करो और चौराहे पर फेंक दो, जो भी व्यक्ति उसको देखेगा आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। कई लोग छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से आकर्षित करके अपना काम सिद्ध करते हैं, तो ये इसका दुरुपयोग है। वैसे ये जो चीजें हैं बहुत ही शुद्ध है यदि आप इनका सही जगह उपयोग करें। यदि आप इन चीजों का यूज करते हैं, भर सभा में जाएं, आप जैसे लोगों को प्रवचन देते हैं, कोई अच्छी बात बता रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे आकर्षित होंगे और आपका कहना मानेंगे। आपकी जैसे प्रोफेसर की नौकरी है या आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां काफी लोगों को आपको कन्विंस करना है किसी चीज को, आप इन उपाय को करें, काफी लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे। आप LIC का काम कर रहे हैं, आपको लोगों से मिलना है, लोगों को अपनी बात कन्विंस करवानी है, आप इन चीजों का यूज करें, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। लोग यदि आपका खुद का भी बल थोड़ा भी प्रबल है, आपका त्राटक थोड़ा भी ज्यादा सिद्ध है, तो ऐसी चीज तो सोने पे सुहागा है। इन चीजों का यदि थोड़ा भी जिनका आत्मबल मजबूत है और ऐसे लोग यदि इन चीजों का यूज कर गए तो उन्हें बहुत जबरदस्त सफलता देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, तीन चीजें लेनी है। सबसे पहले तो आपको लेना है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को ले लें आप और इसे आप छाया में सुखाएं। भले आपको 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, लगने दें, लेकिन उन पत्तों को आपको छाया में सुखाना है, धूप में नहीं, बिल्कुल जहां छाया हो, बराबर। उसके बाद आपको उन पत्तों में मिलाने हैं भांग के बीज। भांग के थोड़े से बीज ले आए बाजार से, उसे और अश्वगंध, अश्वगंध भी आपको पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा। तीनों चीजों को आप डाल दें और बराबर आप उसे कूट लें, उसका आप पाउडर बना लें। उस पाउडर को आप बना करके किसी छोटी सी डिबिया में भर करके रख दें, ठीक है। और आपको लेना है, जब भी आपको इस तंत्र को करना है, आपको कपिला गाय का दूध लेना है, जो गाय कपिला हो, कपिला गाय का आप दूध लें और उस दूध में आप इस चूर्ण को मिलाएं, मिला करके आप इसका तिलक करें या अपनी बॉडी में आप इसको छिड़क लें। आप जहां भी जाएंगे दोस्तों, यदि आपको ज्यादा लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आप पब्लिकली किसी से मिलेंगे, हजारों लोग पागल की तरह आपके पीछे घूमेंगे, लोग अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे।
बहुत बढ़िया क्रिया है और कर लेने के लायक है। बस इसका आपको तिलक लगाना है। जो लोग तिलक ना लगा पाते हो फिर से रिपीट कर दो, वो अपने कपड़े पर छाट ले, लगा ले अपने बॉडी पार्ट पर, इसे लगाए, बहुत ही बढ़िया इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके लिए कोई दिन वार निश्चित नहीं है, हाँ इतना आपको देखना है खराब समय ना हो, राहु काल ना चल रहा हो, भारी दिन ना हो, आप इस उपाय को करें, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। करते हैं खुश, जय श्री कृष्ण।